हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल अग्रवाल आप लोग का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ थर्ड ट्यूटोरियल में टिक टैक टो गेम डेवलपमेंट इन C++। तो हम लोग ने देखा फर्स्ट ट्यूटोरियल में, यह देखा कि आपका जो बोर्ड बन रहा होता है वो कैसे बनता है। सेकंड ट्यूटोरियल में हम लोग ने ये देखा कि हम लोग यूजर से इनपुट कैसे लेंगे एंड उसको वैलिडेट कैसे करेंगे कंडीशन से। एंड इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोग ने इनपुट लिया है, ठीक, अब उससे विनर कैसे फाइंड करें, क्योंकि अब हर बार हमको चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे कंडीशंस है, विनर कंडीशन है, वो फुलफिल हो रही है कि नहीं। अगर फुलफिल हो रही है तो हमको मेन लूप से बाहर निकलना है, अगर फुलफिल नहीं हो पा रही है तो हमको गेम को मेन लूप के अंदर कंटिन्यू करना है। तो इस बार हम लोग देखेंगे कि विनिंग कंडीशन कैसे चेक करा जाए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो कि टिक टैक टो गेम होता है उसमें विनिंग कंडीशन होती क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं जब खेलते हैं तो अगर तीन सेम सिंबल किसी रो में हो, किसी कॉलम में हो या किसी डायगोनल में हो, तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग जीत गए, ठीक, हम लोग विनर हैं, ठीक। और विनर कौन होगा, जिसके वो सिंबल होंगे, फर्स्ट प्लेयर के होंगे या सेकंड प्लेयर के होंगे, इन दोनों में से किसी भी के भी हो सकते हैं। तो अब इस कंडीशन को हमको वैलिडेट करना है। हमारे पास रो कितनी होती है, तीन रो होती है, कॉलम कितने होते हैं, तीन कॉलम होते हैं, डायगोनल कितने होते हैं, दो डायगोनल होते हैं। तो टोटल कंडीशन हमको कितनी चेक करनी होगी, टोटल कंडीशन हमारे पास 8 हो जाएंगी चेक करने के लिए, तीन रो के लिए, तीन कॉलम के लिए और दो डायगोनल के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग डायगोनल की कंडीशन चेक करते हैं तो हमको क्या, एक इफ स्टेटमेंट हम लोग ले लेते हैं डायगोनल की कंडीशन चेक करने के लिए। अब डायगोनल हमारे किस किस इंडेक्सेस पे होते हैं, एरे के किस किस इंडेक्स पे हम लोग को डायगोनल मिलेंगे, 0 0, 1 1 एंड 2 2। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट डायगोनल हो गया। सेकंड डायगोनल क्या होगा, 0 2 1 1 एंड 2 0। तो हमारे पास दो डायगोनल हो गए। तो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं BOARD बोर्ड, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स डाल देंगे। अगर इसकी वैल्यू अब हमको अगर डायगोनल में चेक करना है कि तीनों पे ही सेम एलिमेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक एलिमेंट को ले लेते हैं और बाकी दो से कंपेयर कर देते हैं। अगर बाकी दो पहले वाली एलिमेंट की बाकी दो वाले एलिमेंट से वैल्यू सेम होगी तो इसका मतलब तीनों ही सेम है, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हमको कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना है, तो दो इक्वल का साइन लगेगा, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V। अब आप बताइए कि इसके बीच में हम लोग कंडीशन क्या लगाए, और की लगाए कि एंड की लगाए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमको एंड की कंडीशन लगानी है। क्यों लगानी है एंड की कंडीशन, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू, समझ लीजिए हमारे पास तीन नंबर है, 1 2 3, तो 1 इक्वल 2 एंड 1 इक्वल 3, तो क्या होगा, हमारे तीनों ही नंबर इक्वल होंगे। तो यहां पे हमने एंड की कंडीशन लगा दी, ये हमारा हो गया पहला डायगोनल। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं और की। ये कंडीशन हमने पुट क्यों करी है, ये कंडीशन हमने इसलिए लगाई है कि अगर पहला डायगोनल के तीनों एलिमेंट सेम हो या दूसरे डायगोनल के, अब दूसरे डायगोनल के लिए हम यही सेम लाइन कॉपी कर लेते हैं, यहां प्लेस कर देते हैं। तो पहले डायगोनल या दूसरे डायगोनल के तीनों एलिमेंट सेम होंगे तो हमको क्या करना है, विनर में हमको क्या डालना है, करंट प्लेयर का नंबर डालना है, ठीक। तो हमको करंट प्लेयर का नंबर यहां से पता चल जाएगा। अब हमको जल्दी से डायगोनल की वैल्यू फिल करनी है, तो डायगोनल की वैल्यू हो क्या सकती है, हमने आपको बताया है 0 0 हो सकती है, 1 1 हो सकती है एंड 2
यहाँ पे हम लोग जीरो जीरो कर लेते हैं, जीरो जीरो और यहाँ पे टू टू। अगर जीरो जीरो वन वन इंडेक्स सेम है, जीरो जीरो टू टू इंडेक्स सेम है, तो विनर क्या हो जाएगा, प्लेयर हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो जीरो जीरो टू वन वन एंड जीरो टू टू जीरो, जीरो टू इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो वन वन इंडेक्स के एलिमेंट से सेम है, और जीरो टू वाला टू जीरो से भी सेम है, तो मतलब तीनों ही सेम है डायगोनल के एलिमेंट, तो भी विनर क्या हो जाएगा, प्लेयर हो जाएगा, जो करंट प्लेयर होगा, लास्ट प्लेयर होगा, क्योंकि लास्ट प्लेयर के लिए ही चेक कर रहे हैं, वही हमारा विनर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर डायगोनल की कंडीशन हमारी फेल होती है तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, इस केस में हमको चेक करना पड़ेगा रो और कॉलम के लिए। तो रो और कॉलम के लिए चेक करने के लिए हम लोग एक एल्स स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग एल्स स्टेटमेंट का ब्लॉक बनाते हैं, इसको ओपनिंग और क्लोजिंग ब्लॉक दोनों एक साथ बना देते हैं। ठीक, अब हमारे पास टोटल कितनी रोज और कितने कॉलम है, हमारे पास तीन रो है एंड तीन कॉलम है, तो टोटल हमको सिक्स कंडीशंस चेक करनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक लूप बनाते हैं फॉर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जे वेरिएबल ले लेते हैं। जे से अच्छा हम लोग एक लाइन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसको इनिशियलाइज जीरो से करते हैं, एंड टोटल कितनी बार चलेगा वो, तीन बार हम लोग उसको मूव कराते हैं, तो जीरो वन एंड टू, तो स्मॉलर देन थ्री होना चाहिए कंडीशन। लाइन प्लस प्लस, तो हमने एक फॉर लूप बना लिया इसी के अंदर, एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमारा ये फॉर लूप बन गया। अब हमने यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल यूज करा है तो अब हमको उसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा ऊपर, तो जहां पे हमने अनसाइंड इंट आई करा था उसी के साथ हम लोग एक लाइन नाम का वेरिएबल और डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये हमने एक लूप बना लिया। अब इस लूप का हमारा काम क्या होगा कि हमको बार बार कंडीशंस चेक नहीं करनी पड़ेंगी, ये लूप हम लोग इसलिए बना रहे हैं, जैसे कि हमने दो डायगोनल की कंडीशन एक ही इफ कंडीशन के अंदर चेक करी थी, वैसे ही हम लोग रो और कॉलम की एक साथ कंडीशन चेक करेंगे। ठीक, और उसके लिए हमको रो और कॉलम की वैल्यू बदलनी पड़ेगी, हमको तीन बार चेक करना है रो और कॉलम को, तो हमको तीन बार चेक करने के लिए हमने एक कंडीशन फॉर लूप लगा दिया जो कि तीन टाइम्स रन करेगा, एक बार उसकी लाइन की वैल्यू जीरो के लिए, वन के लिए, टू के लिए, लाइन जीरो है, लाइन वन है, लाइन टू है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, बस रो और कॉलम की जगह जहाँ पे रो होगा वहां पे लाइन रख देना है, जहां कॉलम होगा वहां पे एक बार लाइन रख देना है। तो अब देखिए आप लोग कैसे करते हैं इसको, हम लोग क्या करते हैं, इस इफ कंडीशन को कॉपी कर लेते हैं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं, तो हमको लिखना नहीं पड़ेगा, ये हमारी इफ कंडीशन हो गई। बस इसके अंदर हमको चेंजेस क्या करने हैं, हमको इंडेक्सेस की जगह लाइन लिखनी है, लाइन कहां कहां लिखनी है, अगर यहां एक बार हम लोग लाइन लिख देते हैं, लाइन 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 ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पेस्ट कर दिया जाता है। यहाँ से विनर को भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हम आपको समझा देते हैं कि ये कैसे हो रहा है। देखिए अगर लाइन की वैल्यू जीरो है तो बोर्ड बोर्ड जो फर्स्ट आपका है जीरो जीरो, आपका जो पहला एलिमेंट है जीरो जीरो इक्वल जीरो वन, जीरो जीरो इक्वल जीरो वन, जीरो जीरो इक्वल जीरो टू, ये आपकी फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लेगा, एंड फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लेगा। अगर ये तीनों ही एलिमेंट फर्स्ट रो के सेम होंगे तो विनर क्या हो जाएगा, प्लेयर। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो और में जाएगा, और में जाके वो चेक करेगा जीरो जीरो फर्स्ट एलिमेंट, वन जीरो एंड
0020। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम के तीनों ही एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेगा, तीनों ही एलिमेंट पे कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू होती है तो फिर विनर इक्वल प्लेयर हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो फॉर लूप चलेगा दोबारा से। अगर फॉर लूप फिर दोबारा चलता है तो उसके बाद उसने फिर यही चीज चेक करी, फिर वो चेक कर रहा है लाइन रो सेकंड के लिए और कॉलम सेकंड के लिए, उसके बाद रो थर्ड के लिए और कॉलम थर्ड के लिए। ऐसी हमारी तीन बार कंडीशंस चेक हुई, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, हमारा विनर में प्लेयर का नंबर आ जाएगा। ये हमारा फॉर लूप बंद हुआ, ये हमारा एल्स बंद हो रहा है, और ये हमारा मेन गेम लूप। और हम ये देख रहे हैं कि अगर विनर की विनर में प्लेयर आ जा रहा है तो मतलब प्लेयर का प्लेयर वन या प्लेयर टू, ये आएगा विनर में वन आएगा या टू आएगा। अगर विनर में वन आ रहा है या टू आ रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा मेन लूप की कंडीशन थी वो फॉल्स हो जा रही है, क्योंकि मेन लूप में हमने कंडीशन क्या लगाई थी, विनर इक्वल इक्वल जीरो। अगर विनर की वैल्यू जीरो है तो फॉर लूप चलेगा, अगर विनर की वैल्यू जीरो नहीं है तो फॉर लूप नहीं चलेगा। इसका मतलब हमको क्या मिल गया, विनर मिल गया हमारा, हमको हमारा विनर मिल गया, हमारा प्लेयर मिल गया जो कि जीता है मैच। अब हमको क्या करना है, सिर्फ एक चीज प्रिंट करनी है, आउटपुट फॉर कोड। जो भी हमने पूरा कोड डेवलप करा है इसका आउटपुट हमको प्रिंट करना है। आउटपुट में हमको क्या प्रिंट करना है, आउटपुट में हमको फिर से एक बार बोर्ड को प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको विनर तो मिल गया पर अब हमारा दोबारा लूप तो चलना है नहीं। जब दोबारा लूप चलेगा नहीं तो हमारा बोर्ड प्रिंट नहीं होगा और उसमें फाइनल जो भी आपका कॉम्बिनेशन बना है वो प्रिंट नहीं होगा। तो हमको एक बार उसको दिखाना है और एक मैसेज प्रिंट करना है प्लेयर के लिए कि दिस प्लेयर इज विन। अगर आपका विनर नहीं मिलता है और जो आपका लूप है वो आपका इस कंडीशंस के वजह से फॉल्स हो जाता है, आई की वैल्यू स्मॉलर देन एन, आई की वैल्यू अगर 9 हो जाती है तो क्या होता है, तो भी हमको एक मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा लास्ट में कि हमारा मैच ड्रॉ हो गया है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने ये देखा कि हम लोग विनिंग कंडीशन को कैसे चेक करते हैं। हमारे पास 8 कंडीशंस थी, हमने 2 इफ स्टेटमेंट्स की हेल्प से और 1 लूप की हेल्प से उसको चेक कर लिया। ठीक गाइस, थैंक यू फॉर दिस ट्यूटोरियल, वी मीट अगेन इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय।